Okay friends, welcome to another video at Amrita Seafoods. As we are making South Indian today, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम आज बना रहे हैं नारियल की चटनी. बहुत सिंपल, जिसको आप घर में बना सकते हैं. ये देखिए, हमने नारियल ऐसे इसको चाकू से लंबा लंबा काट लिया है. ये तकरीबन एक नारियल है? आधा नारियल. तो ये आधा नारियल है, इसको हमने इस तरीके से काट लिया है. ये हमारा मिक्सर का जार है, इसके अंदर हमने चने रखे हैं. आप देखिए, यहाँ हमने इसमें चने रख दिए. तो नारियल की चटनी आप मतलब किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं. जैसे कभी आप इडली बना रहे हैं, सूखी इडली के साथ आप नारियल की चटनी खा सकते हैं. डोसा बना रहे हैं, सांभर नहीं खाना चाहते, तो उसके साथ आप नारियल की चटनी खा सकते हैं. नारियल की चटनी बहुत चीज़ों के साथ आप खा सकते हैं. ये हमारे पास थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, नमक और कई लोग नारियल की चटनी में थोड़ा सा दही डालते हैं. आप नारियल की चटनी में दही डाल सकते हैं. जब आपकी चटनी पिस जाए, उसमें आप थोड़ा सा दही डालिए. उसमें आप बहुत इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, दही डालना एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है. वो चटनी को थोड़ा सा और उसका फ्लेवर जो है उसको उठा देती है. उसमें आप लहसुन डाल सकते हैं. जैसे आप उसमें लहसुन डाल सकते हैं, उसमें आप दही डाल सकते हैं. और नारियल की चटनी में हम और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? जैसे उसमें आप लहसुन डाल सकते हो, कड़ी पत्ता डालते हैं. देखिए, जैसे इधर हम ये कड़ी पत्ता ले आए हैं, ये कड़ी पत्ता है, आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं. राई डालती है इसमें थोड़ी. सो और कड़ी पत्ता जो है बहुत अच्छा टेस्ट करता है. हमारी हिंदुस्तानी जो इंडियन क्विजीन है, इसके अंदर हम इसका बहुत यूज़ करते हैं. ये देखिए राई, ये कड़ी पत्ता, ये हमारा ऑलरेडी ब्लेंडर में है. ये देखिए, हमने इसमें मिर्ची डाल दी, साथ में ये नारियल डाल दिया, आधा नारियल है ये. इसी में हम अब कड़ी पत्ता डाल देंगे. अच्छा, वो बाद में तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे. ये इसको आप अपना इस तरीके से पीस लें. ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर हम नारियल का ही पानी जो है वो डाल रहे हैं. ये नारियल का पानी, इसी को हमने ऐड कर दिया इसमें. ये देखिए, थोड़ा सा और हमने पानी और ऐड कर दिया इसमें. ये देखिए, जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल चटनी फॉर्म एकदम हो गया है. एक बारी फिर से चलाते हैं. ताकि जो चने हमने डाले थे, ये भुने हुए चने हैं, ये भुने हुए चने हम ये भी अच्छी तरीके से पिस जाएं. सो ये हमारी जो चटनी है, ये देखिए, ये हमने चटनी बना ली. ये देखिए, ये हमारी चटनी है. अब हम इसमें तड़का लगाएंगे. तो तड़के के लिए आप, ये हमारा जो तड़के का है, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं. ये इसमें आप तड़का लगा सकते हैं. अब तड़का बनाने के लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ. इधर ये तड़के के लिए हमने थोड़ा सा घी ले लिया. हमने इसमें घी डाल दिया, एक चम्मच घी. इसको हम मेल्ट कर लेंगे. मैं इधर वापस गैस की तरफ, इसको हम मेल्ट कर लेंगे. ये देखिए, चटनी के लिए अब हम तड़का बना रहे हैं. ये घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा. ये देखिए, और ये जो घी भी है, ये भी हमने घर में बनाया है. तो ये हमारा होम मेड
घी है, फुल क्रीम मिल्क से हमने बनाया है इसे, जो कि उसकी मलाई निकलती है। इसमें अब आप राई डाल दें, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, राई कड़ी पत्ता, पाँच से छः, तो हमने पाँच से छः लीज लिए हैं कड़ी पत्ते के। इससे एक अच्छा एक घी में इसमें अच्छा एक उबाला आ जाए, तो ये वापस इधर इसको हम वापस इसी में ऐड कर देंगे, ये देखिए। और ये हमारी कोकोनट की चटनी जो है ये तैयार है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक, और हमारी कोकोनट चटनी तैयार है। मैं अब नेक्स्ट आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा कैसे इडली बना सकते हैं आप घर पे, इडली का, जिसको बनाना बड़ा आसान है। और आप इडली और ये नारियल की चटनी भी साथ में खा सकते हैं अगर आप सांभर नहीं इस्तेमाल करना चाहते। तो ये था हमारा आज का एक्सक्लूसिव वीडियो अमृता से फूड्स पे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पे जाके सर्च फॉर अमृता से फूड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस फ्रॉम अस एंड यू कैन रिसीव ऑल द अपकमिंग वीडियोस। Until my next video, stay home, stay safe, and God bless. Thank you. Bye-bye.